स्वागत है आपका रुद्र ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। तो ये जो इंजन देख रहे हो आप, ये है टाटा एस गोल्ड का। हमें इसके इंजन का पूरा काम करना है, तो हमने इंजन को बाहर निकाल लिया है गाड़ी में से और इसकी हम फिटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले इंजन को खोल रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें जितने भी पार्ट लगेंगे उनको चेंज करके हम इसकी फिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं इंजन को खोल के कि इसमें क्या क्या पार्ट ख़राब है और हमें क्या क्या चेंज करना है। तो ये इंजन का दोनों पिस्टन जिसमें हमें रिंग फिट करना है। तो हमने पिस्टन नया लिया हुआ है क्योंकि पुराना पिस्टन ख़राब हो चुका था। तो हम पिस्टन को पहले डीजल से अच्छे से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर इसमें रिंग बिठाएंगे। रिंग बिठाने के बाद फिर पिस्टन को फिट करना स्टार्ट करेंगे। तो पिस्टन को धोने का काम चालू हो चुका है, उसके बाद फिर रिंग बिठा के हम इसकी फिटिंग करेंगे। इंजन का आधा काम ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी हम पीछे से फ्लाईव्हील को लॉक कर रहे हैं इसका टाइमिंग मिलाने के लिए। टाइमिंग इसलिए मिला रहे हैं कि किसका हमें टाइमिंग बेल्ट लगाना है। तो इंजन का टाइमिंग मिला रहे हैं, टाइमिंग मिलाने के बाद फिर हम इसमें टाइमिंग बेल्ट लगाएंगे। तो ये फ्लाईव्हील को हमने लॉक कर दिया है। फिर आगे से हम पंप को लॉक करेंगे। तो इसका पंप भी लॉक हो चुका है, पीछे फ्लाईव्हील और आगे पंप, ये दोनों लॉक हो चुका है। फिर हम ऊपर टैपेट कवर के पास एलेंकी लगाएंगे, उसको लॉक करेंगे। तो टोटल तीन लॉक है, पीछे फ्लाईव्हील, पंप और ये ऊपर टैपेट का। तो तीनों लॉक हो चुका है। अब टाइमिंग बेल्ट लगा के जो फाइनल काम बचा हुआ है उसे ख़त्म करेंगे, फिर इंजन की पूरी फिटिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। तो इंजन का काम पूरा हो चुका है, अब इसे उठाकर हम गाड़ी में फिट करेंगे। तो आपको इतना वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।